रात वो अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, रातों रात एकदम ब्रिलियंट बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे यार, मैं महीने भर में पढ़ के उतना तैयार कर लूंगा। तो हर चीज समय मांगती है। आज की डेट में जो इंसान है उसके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस ही तो नहीं है, ठीक है, रातों रात सब चीजें होनी चाहती है, वो चाहते हैं 5 मिनट में सब कुछ हो जाए, 5 मिनट में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नियति खुद देखो, जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो खुद जानती है कि भैया समय के साथ चीजें होती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचो नियति की जो चीजें हैं वो जरा सोचो, उसके बारे में सोचो जरा थोड़ा सा। क्या एक साल 365 दिन में होता था, आज क्या कम में होने लगा? 365 दिन में ही होता। एक जो माँ है जो बच्चे को जन्म देती थी 9 मंथ में, आज भी 9 मंथ में ही वो जन्म देती है, कि ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन में जन्म दे दे रही या 7 महीने में जन्म दे रही या 3 महीने में जन्म दे दे रही है ना, मेच्योर्ड बेबी जो है 9 मंथ में ही हो रहा। आप अगर कोई बीज डालते हैं तो उससे पौधा बनता, पौधे से पेड़ बनता, उसका एक टाइम पीरियड होता, वो उतने ही दिन में बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में बन जा रहा कि नहीं 7 दिन में बन गया। आपने कहा नहीं नहीं हमने तो देखा नर्सरी में कि 1 साल में आम आ जाते। तो भैया जो नर्सरी है ना, नर्सरी में जो उसकी जो जड़ होती है वो बहुत पुरानी लगाई जाती है, ऊपर का खाली जो सेगमेंट है वो ऐसे रोप दिया जाता है, तो उसकी जो उम्र है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है। भाई 10 साल का पौधा ले लिया या 5 साल का पौधा ले लिया, उसके ऊपर वो दूसरा लगा दिया पौधा, तो उसकी उम्र तो 5 साल पहले की हो चुकी ना। तो आपको जो लग रहा है कि 1 साल में पौधा फल आ रहे हैं, वो 1 साल में नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली 5 साल पहले और 1 साल 6 साल में फल आ रहा है। तो इस तरीके से होता है, मतलब हर एक चीज जो है वो टाइम लेती है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई चीज करना चाहेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, अनमेच्योरिटी आएगी। जैसे आज की भी डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो बेबी है वो 9 मंथ से पहले हो जाता है, वो प्री मेच्योर्ड होता है। आपने देखा होगा उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो समझ नहीं पाते। वैसे ही स्टडी के साथ में है, अगर आप जैसे सिंपल सा अगर बहुत जल्दी में कोई चीज सीखेंगे तो क्या होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी भर और आप परेशान रहेंगे, यार ये चीज कैसे, ये चीज कैसे, ये चीज कैसे, ये चीज ये हमारी क्लियर नहीं। आपको लगेगा आपने सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आप कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अनमच्योर तरीके से पढ़े, आपने बहुत जल्दबाजी में पढ़ा। तो बहुत जल्दबाजी में सब चीजें कवर नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक निश्चित समय चाहिए होता है। हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए ब्रेन में फिट होने के लिए एक लिमिटेड समय होता है। ठीक है, पता लगा आपने वो जो चीज सीखी है वो स्टोर नहीं कर पाई। तीसरी चीज और सीख ली तो उसको सब एकदम खिचड़ी हो गया, मिक्स हो गया, है ना। इसीलिए कम कम चीजें सिखाई जाती। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम बिंदास तरीके से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।